सो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एवरीथिंग ऑफ इंडिया चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो और इसमें जो है आप गेम खेलते हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, तो अक्सर क्या होता होगा ना, डायरेक्ट आपका फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स या फिर आपका फैमिली डायरेक्ट जो है कॉल व्हाट्सएप पे कर देता है या फिर मैसेज कर देता है, या फ़ोन में नेट है और मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, आप फ़ोन में गेम या फिर कुछ भी कर रहे होगे ना, तो आपको परेशानी होती होगी, आपको प्रॉब्लम्स या फिर आपको गुस्सा आता होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा, आपका फ़ोन का इंटरनेट भी ऑन रहेगा और जो है अगर आपको कोई भी इंसान, कोई भी बंदा आपको जो है, कोई भी अगर व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल करेगा तो सिंगल टिक ही शो करेगा, आपका ऑफलाइन शो करेगा और जो है आपका फ़ोन का इंटरनेट भी ऑन रहेगा। तो वो ट्रिक आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को दोस्तों बगैर स्किप किए और शुरू से आखिरी तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको जो है सेटिंग में चले जाना है, ध्यान से देखिएगा। तो उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको जो है ऐप्स में चले जाना है, ध्यान से देखिएगा। ऐप्स में जाने के बाद आपको जो है मैनेज ऐप्स में जाना है, जो कि आपके फ़ोन पे ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो है क्या शो करता है। तो मैनेज ऐप्स में जाने के बाद आपको, तो आपको जो है ऐप्स मैनेजर में, मैनेज ऐप्स में आ जाना है। तो देख सकते हैं आपको फ़ोन में कहाँ पर सेटिंग है डिपेंड करता है। तो इधर जो है आपको चले आना है डायरेक्ट व्हाट्सएप पे, आपको चेक कर लेना है आपका व्हाट्सएप कितने नीचे में डब्ल्यू से है। तो आपको जो व्हाट्सएप जीबी व्हाट्सएप, ये हमारा कोई भी व्हाट्सएप हो आपके जीबी, तो देख सकते हैं इधर जो व्हाट्सएप है ये हमारा इस टाइम जीबी व्हाट्सएप है, ठीक है। तो आपको जो इधर जो है क्लिक कर लेना है, ध्यान से देखिएगा, आपको जो इधर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है इधर इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको बैकग्राउंड डाटा या फिर ऐसा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मैं एक ट्रिक और एक बात और बता दूं कि अगर आपको ओल्ड वर्जन फ़ोन है, जैसे पुराना फ़ोन है, तो 2GB रैम या 2GB रैम बहुत सा पुराना फ़ोन है, तो आपको करना है क्या, उसके लिए फोर्स स्टॉप कर देना है। इसके बाद आप फ़ोन में कुछ भी कर सकते हो, आपको व्हाट्सएप पे कॉल नहीं आएगा और कोई मैसेज, बस आपको उधर से जो भी मैसेज करेगा वो ऑफलाइन ही शो करेगा। तो देख सकते इधर आपको ओल्ड वर्जन फ़ोन में आपको फोर्स स्टॉप कर देना है, इधर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको करना है क्या है, अब न्यू वर्जन के लिए, फ़ोन के लिए अब जो आता है वो आप बताता हूँ। तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप में आ जाना है, उसके बाद ऐप मैनेजर में आने के बाद आपको देख सकते इधर रिस्ट्रिक्ट डाटा यूजेज होगा, ठीक है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं अगर आप वाईफाई से कनेक्ट करके जो है चला रहे हैं वर्ड मोबाइल, तो आपको जो है इस पर क्लिक कर देना है वाईफाई पे। तो मोबाइल डाटा से अगर आप फ़ोन चला रहे हैं तो आपको इधर जो है व्हाट्सएप अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपका अगर कनेक्ट है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, वो ब्लू टिक हट जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपका डबल सिम है तो आपको दोनों सिम पे ही क्लिक कर देना है। इस वक्त जो हमारे फ़ोन में वन सिंगल सिम लगा है तो मैं कर रहा हूँ, तो उसके बाद आपको देख सकते हैं उसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप गाइस आप फ़ोन में कुछ भी कर सकते हो, गेम खेल सकते हो या फिर यूट्यूब देख सकते हो, गैलरी देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आपको जो है कोई भी मैसेज व्हाट्सएप पे अगर करेगा तो आपको सिंगल टिक ही उसको अदर पर्सन को जो है शो करेगा और जो है आपको ऑफलाइन शो करेगा। आप फ़ोन में कुछ भी कर सकते हो गाइस। तो आई होप गाइस इस वीडियो से आपने कुछ सीखा, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकला कि नहीं।